Hey guys, welcome back to the channel. मैंने विकास मावादी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक अलग सी लोकेशन पे हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल वगैरह से देख ही लिया होगा, आज है 14 नवंबर और मैं आ चुका हूँ हर्बल पार्क में। एक बात और बता देता हूँ, मैं हर्बल पार्क की मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें से एक वीडियो ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ है उस पर, 47K समथिंग व्यूज़ है, मतलब 47,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा। और आज है बाल दिवस और यहाँ पे ना हर्बल पार्क में शायद मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, मतलब बाल दिवस के उपलक्ष्य में, कि यहाँ पे अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हुए हैं और उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, मतलब पेंटिंग का कोई प्रोग्राम है और अलग अलग मतलब प्रोग्राम है, वो मैं दिखाऊंगा। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा सा मुझे पता है। और मुझे इसकी जानकारी जो दी थी वो दी थी किट्टी सिंह ने, जो मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे दी थी जानकारी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लिटरली काफ़ी अच्छा लगा। साथ में आयुष भी है और साथ में मैंग भी है, तो सिस्टम। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, मतलब अंदर तो आ चुके हैं और आपको बाहर से मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छे से सजा रखा है इन्होंने हर्बल पार्क को, जैसे पहले था ना वैसे नहीं है, अब बहुत चेंजेस हो गए हैं। और यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, अगर आप फ्यूचर में कभी आ रहे हो तो क्या झूले हैं बच्चों के लिए, क्या क्या है, और खाने के लिए तो है लेकिन खाना ठीक नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पहले से चेंजेस कर दिए गए होंगे लेकिन मुझे पता नहीं। और बाकी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे डीजे भी लगा हुआ है और खाने का भी इंतजाम है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 20,000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो ये है प्रॉपर मेन गेट, चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको कैसा सीन है पूरा। काफ़ी बच्चे, स्कूलों के बच्चे यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गेट के अंदर, अभी आप देख सकते हो सामने मेन गेट है और ये पूरा हर्बल पार्क है। इधर प्रोग्राम हो रहा है और इधर बच्चों के खेलने की सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको लेट दिखाऊंगा आगे चल के। और ये देख सकते हो पूरा, मतलब बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। जैसे मैंने बताया बाल मेला करके लगा हुआ है यहाँ पे जो प्रोग्राम है, तो देख लीजिएगा पूरा प्रॉपर ही है। और बाकी एक एक करके दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है, पहले से क्या क्या चेंजेस है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कि मेरी उस वाली वीडियो पर 47,000 समथिंग व्यूज़ है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी उस वीडियो में और इस वीडियो में कितना अंतर होने वाला है, क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो सब दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हो पार्क के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे और ये झूला का मज़ा ले रहे हैं, झूले का मज़ा ले रहे हैं। और बहुत सफाई यार, पहले से ज़्यादा काफ़ी सफाई हो रखी है। बाकी और आगे चलते हैं। तो देखो हम यहाँ आ चुके हैं लास्ट में, मतलब लास्ट तो उसका बहुत बड़ा है उधर है, और बाकी हम लोग इधर चल रहे हैं अभी। और यहाँ पर नाव लगी हुई है, आप देखो अभी पास से ले जाके दिखाते हैं हम, और इतना बड़ा है ना तो कि बस क्या ही बताएं, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर घूमने में। जब हम पहले भी, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, तो मेरे घर से तो बहुत दूर है लेकिन फिर भी मैं आ ही जाता हूँ। आज जो है ना फ्री टिकट था यहाँ पे, तो मेरे सब्सक्राइबर ने जैसे मैंने बताया, उन्होंने बताया कि आज फ्री है यहाँ पे सारा कुछ, तो मैं आ ही गया बाकी दिखाने। और काफ़ी चेंजेस कर दिए गए, प्राइवेट झूले भी हैं यहाँ पे, प्राइवेट झूले बच्चों के लिए अलग से पे करके, आज तो नहीं है लेकिन जो है ये पे करके आप इंजॉय कर सकते हो, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं आपके, अगर आप कभी आ रहे हो तो यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी झूला दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, और झूले यहाँ पर नाव दिखाता हूँ मैं, उसका रेट 50 रुपये। तो दोस्तों ये है नाव जो अभी अभी बंद पड़ी है, क्योंकि ये हो सकता है कि बंद कर दी गई हो, बच्चे बैठेंगे इस पर और ये थोड़ा सा ख़तरनाक रहता है बच्चों के लिए, इसलिए बंद कर दी गई है। इस पर लिखा हुआ है इसका जो झूले का रेट है वो है 50 रुपये। और बाकी आगे है स्विमिंग पूल, वो अभी फ़िलहाल बंद है सर्दी की वजह से, बाकी स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ। तो ये है स्विमिंग पूल, इन्होंने कुछ ऐसा बना रखा है, और इसका जो टिकट रेट है वो भी है 50 रुपीज़, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा अलग से बना रखा है इन्होंने, आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल आप कह सकते हो इसे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ। वैसे तो बंद ही पड़ा हुआ है, पानी वानी भी नहीं होगा इसमें, ये देखो पानी भी नहीं है। और हम लोग आ चुके हैं ऊपर अभी, और देख सकते हो भाई साहब आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल, अगर आपको देखना है तो आप हर्बल पार्क आ सकते हो यहाँ पे, ये बढ़िया बना रखा है, यहाँ पे उतरो नहाओ, बढ़िया है। गर्मियों में आएंगे एक बार, हम गर्मियों में प्रेम मंडल लैंड जाते हैं, 500 रुपये खराब करके आते हैं, खराब तो नहीं मज़ा आता है, लेकिन 50-60 रुपये में आप यहाँ पे, 50 रुपये लिखा हुआ वैसे बाहर, हाँ बाकी भाई फुल भर जाता होगा ये तो, छोटा सा ये बहुत छोटा सा है। अगर आप कभी हर्बल पार्क आ रहे हो गर्मियों में, अगर आ रहे हो तो हर्बल पार्क में स्विमिंग पूल की सुविधा भी उपलब्ध है 50 रुपये। बाकी अभी चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको और क्या क्या है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज़, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बिना खाए वीडियो बना रहे हैं, समझ सकते हो सब लोग मेरे साथ में। जैसे ही हम पीछे आएंगे नाव के, उसके सामने ये टॉय बच्चों के झूले हैं, आप देख सकते हो ये टॉय ट्रेन है, इधर 2 डिब्बों की टॉय ट्रेन है, बहुत छोटी, मतलब समझ सकते हो ये। और अभी ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, इस टाइम चल नहीं रहा है। और ये देख लो इधर, ये है पूरा मतलब मेले की तरह सजा रखा है। और यहाँ पर ना मिक्की माउस भी है, वो जो उल्टा पड़ा है मिक्की माउस, उसमें हवा नहीं है, आप देख लो। मैं अभी पास से ले जाके आपको मिक्की माउस दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए
ये पूरा मिक्की माउस है, अभी इसमें हवा नहीं भरी हुई है। और द टॉय ट्रेन वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो पहले से, और इसका 40 रुपीज़ है इसका जो टिकट है, मतलब समथिंग उसका 30 रुपीज़ है समथिंग, इसका 40 रुपीज़ है, ऐसी 40-50 हाईएस्ट 50 तक है सारी चीज़ें, मतलब बाकी सब कम ही कम है उससे। और ये है वाटर बोट टब, आप देख सकते हो, इसका भी जो टिकट रेट है वह है 50 रुपीज़ 10 मिनट का। और यहाँ पर भी एक बच्चा घूम रहा है, आप दिखाता हूँ आपको, ये पूरी है, बहुत बड़ी सी है, आप देख सकते हो, काफ़ी सारी बोट है इसके अंदर भी, टब कह सकते हो, बोट कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। ये है पूरा प्रॉपर, आप देख सकते हैं, और पानी बिल्कुल एकदम स्वच्छ है, जैसे कि लाइन पार के मेलों में होता है गंदा सा पानी, वो नहीं है, एकदम स्वच्छ पानी है। तो ये बुल है और इसमें पंचर हो चुका है, भैया बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, 40 रुपये बता रहे हैं इसका। आज तो फ्री है ना, हाँ आज के लिए फ्री है भाई, फ्री वरी कुछ नहीं है, छोड़ो फ्री वाली बात तो करो ही मत यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो आज के लिए नहीं है, बहुत दिन के लिए। बाकी देख सकते हो चूहे ने काट दिया भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से हम आए हुए हैं, सुबह से देख रहे हैं हम। और ये जो वाटर ट्रब है ना, उसके सामने ही है बिल्कुल, यहाँ पे ये यहीं पे रहता है या चेंज कर देते हैं इसकी लोकेशन, यहीं पे रहता है। चलो अब बाकी आगे चलते हैं, दिखाते हैं और आपको, यहाँ पे झूले भी है, ये देखो ये वाला झूला, देसी झूला जिसे कहते हैं, इतने दोस्तों झूले जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोग्राम है जैसे मैंने बताया, तो पूरा सजा रखा है हर्बल पार्क को, बहुत अच्छे से सजा रखा है। और यहाँ का जो फूड का एरिया है, मतलब यहाँ का जो रेस्टोरेंट एरिया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ हर्बल पार्क फूड कोर्ट नंबर 3, हर्बल पार्क फूड कोर्ट नंबर 1-2-3, ये कोड है पूरे, और कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम दूसरी साइड आ चुके हैं दोस्तों, हम बैठ चुके हैं हर्बल पार्क की कैंटीन में, और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे, और चाय पी के देखते हैं, बताते हैं, चाय से बता दूंगा मैं कि इनका खाना कैसा होगा, बहुत बड़ा वाला डॉक्टर हूँ मैं चाय से ही, रेस्टोरेंट के चाय के रेट से ही पता लग जाता है रेस्टोरेंट कितना महंगा है, और चाय के टेस्ट से ही पता लग जाता है कि रेस्टोरेंट का कितना सही टेस्ट है। मैं काफ़ी हद तक 90% तक ये चीज़ जज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मुरादाबाद में बहुत सारे रेस्टोरेंट की चाय पी है और उनके खाने बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ की चाय बहुत अच्छी नहीं हुई है तो उनका खाना भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। जो आप न्यू ईयर वाली वीडियो कोई देखोगे मेरी, तो उसकी चाय 80 रुपये की थी, अब आप हिसाब लगा सकते हो उसका खाना कैसा होगा फिर, मतलब चाय के रेट बहुत हाई थे लेकिन चाय अच्छी नहीं थी, और इतने रुपये में तो हम खाना खा लेते हैं जितने की चाय थी मैं चलो खैर छोड़ो जोक्स अपार्ट, बाकी चाय पीते हैं। तो अभी हम ना वो यहाँ की कैंटीन में बैठे थे पिछले आधे घंटे से, भाई वो दूध नहीं आ रहा था, दूध आया तो चाय वाला नहीं आ रहा था, पता है ऐसी कुछ दिक्कतें हमारे साथ हो गई थी, हमने चाय भी नहीं पी वहाँ पे, बाहर पियेंगे कहीं देखेंगे, मतलब जैसा भी सीन होगा। बाकी प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, वो प्रोग्राम दिखाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, आपको जो भी बच्चों का जो भी प्रोग्राम है। तो दोस्तों यहीं से आप देख सकते हो पूरा प्रोग्राम, काफ़ी स्कूल के बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब सारे जो हैं वो CBSE बोर्ड वाले ज़्यादातर हैं, मुझे कोई भी UP बोर्ड वाला बच्चा लगा नहीं यहाँ पे, है ना, और सरकारी स्कूल के कुछ बच्चे हैं। बाकी देखो इधर रंगोली प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पे, और अभी मैराथन भी थी यहाँ पे, तो वो काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं इधर मैराथन वाले, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का हमें पता नहीं कौन था, लेकिन बाकी चलते हैं बाहर, अभी दिखाते हैं आपको पूरा सीन कैसा है। और इधर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, तो वो सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमजा भी मिला मेरे को अभी, और ये लोग सब मैराथन में थे, सब लोग बाहर हैं, हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, लास्ट हो गया, मतलब हम जल्दी आ गए थे थोड़ा सा, बाकी चलते हैं दिखाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पूरा प्रॉपर, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, हम लोग पहले ही निकल आए क्योंकि हमारा उतना ज़्यादा काम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी प्राइवेसी भी रखनी चाहिए उन बच्चों की, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी वाली परमिशन तो थी नहीं। हमने वैसे नॉर्मली हर्बल पार्क आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा हमें पहले के मुकाबले, अब हर्बल पार्क काफ़ी चेंज हो गया, और DM साहब, SDM साहब, CDO साहब, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गाड़ियों का, ये सब गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं पूरी प्रॉपर, सब पूरा पुलिस प्रशासन है, एम्बुलेंस भी है यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज बाल दिवस है और बाल मेला लगा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से ये सब लोग हैं, बाकी दिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ क्योंकि 20K के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। चलिए मिलते हैं।